हल्ला बोल में आज हम कुछ चुपते सवालों पर चर्चा करेंगे। आपसे पूछेंगे कि क्या बिहार और यूपी के लोग सिर्फ शौचालय साफ करने का काम करते हैं? क्या शौचालय साफ करना खराब काम है? शौचालय साफ करने को तमिलनाडु का सत्ताधारी दल हे दृष्टि से क्यों देखता है? दरअसल सियासी नेता अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे बयान दे डालते हैं जो समाज के एक वर्ग को अच्छा लग सकता है, लेकिन वही बयान दूसरे वर्ग के लिए बेहद अपमानजनक होता है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी और इंडिया गठबंधन की सहयोगी डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने कह दिया कि यूपी और बिहार के लोग तमिलनाडु आते हैं, अलग अलग काम करते हैं और साथ में कह दिया शौचालय साफ करने के लिए। दयानिधि मारन को एक आंकड़ा सुनना और समझना चाहिए। 2006 से 2015 के बीच देश का हर 17वां आईएएस बिहार से चुना गया। एक बार फिर से सुनाते हैं, शायद दयानिधि मारन को उनकी पार्टी को बेहतर समझ में आए। 2006 से लेकर 2015 के बीच देश का हर 17वां आईएएस बिहार से चुना गया। टॉप 10 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर हर 8वां अधिकारी बिहारी है। सिर्फ दयानिधि मारन ही नहीं, डीएमके के कई नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में विवादित बयान दिया है और उत्तर दक्षिण वाली सियासत को हवा दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम हिंदी के गुलाम नहीं हैं। सेंथिल कुमार ने यहां तक कहा कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र राज्यों में जीत सकती है, गोमूत्र वाले राज्यों में। एक तरफ ऐसे बयान है तो दूसरी ओर हम आपको ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं। 1951 से लेकर 2001 यानी 50 सालों में देश में किस राज्य से कितने आईएएस बने? यूपी से लगभग 13.25%, बिहार से लगभग 8.35% यानी 8.5%, राजस्थान से लगभग 6%, तमिलनाडु से 6% से जरा कम, लगभग 6.25%, आंध्र प्रदेश से लगभग वही आंकड़ा है आईएएस बने। इतना ही नहीं, हर साल औसतन बिहार के 10 बच्चे आईआईटी में पास करते हैं। माफ कीजिएगा, 10,000 है ये आंकड़ा, औसतन हम आपको बता रहे हैं हर साल। प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। रविशंकर प्रसाद जी, डीएमके का कहना है कि 4 साल पुराने वीडियो को आप लोग सियासी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको उत्तर दक्षिण की तरह बिहारी अस्मिता से जोड़कर वोट इसके जरिए समेटे जा सके। आपका जवाब देखिए, पहले मैं कुछ अपनी आरंभिक टिप्पणी कर दूं। कब का वीडियो है सवाल इसका नहीं है, वीडियो में कही गई बात सही है यह सवाल है। डिनाई तो नहीं करते, तो ये सनातन का भी अपमान करते हैं, ये बिहारी अस्मिता का भी अपमान करते हैं, ये श्रम का भी अपमान करते हैं। इनको कोई अधिकार है क्या? संविधान बचाने की बार बार बात करते हैं, संविधान में ही देश में कहीं भी जाकर काम करने का अधिकार है या नहीं है? और जिस बिहार में गौतम बुद्ध पैदा हुए, जहां पर चाणक्य पैदा हुए, जहां पर मंडन मिश्र पैदा हुए, जहां पर एक से एक सर्जना प्रतिभा, एक से एक बड़े आईसीएस आईएएस, बड़े वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश हुए, उसके बारे में आप ऐसे विचार रखेंगे? बाबू कुंवर सिंह हुए, रामधारी सिंह दिनकर ऐसे महान राष्ट्र कवि हुए, क्या सोच है आपकी? मुंशी प्रेमचंद ऐसे लम्ही के उपन्यासकार जिन्होंने भारत के पूरे लेखन को एक नई ऊंचाई दी। पूरा उत्तर प्रदेश भरा हुआ है बड़े बड़े उपन्यासकार, कवि देवी महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, धर्मवीर भारती और बच्चन जी, किसका नाम लूं मैं, निराला जी, ये सब तो बिहारी यूपी के हैं ना। तो आपने हिंदुस्तान को समझा क्या है, कितना समझते हैं, ये पहला सवाल है। तो दयानिधि मारन हो या उनके आका डीएमके स्टालिन हो, कृपया करके बिहारियों का अपमान करना बंद करिए, माफी मांगिए, और नहीं मांगेंगे तो अब आपके खिलाफ अब देश में एक जबरदस्त आवाज उठेगी और जो भी करना हो वो किया जाएगा कानून के दायरे में, ये मैं साफ कहना चाहता हूं। कभी सनातन का अपमान, कभी किसी का अपमान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तमिल संगम चल रहा है, तमिलनाडु के लोग काशी आ रहे हैं, हम सुब्रमण्यम भारती की स्तुति गान करते हैं, ये भारत की सांस्कृतिक एकता है। क्या हो तिरुपति, क्या हो आपके बाकी जो महान लोगों ने कभी चोला को पढ़ा है, जो वहां बृहदेश्वर मंदिर है,
या कभी बाकी दक्षिण भारत के मंदिरों को देखा, समझा है इन लोगों ने कि सनातन परंपरा किस प्रकार से वहां पनपी है? तो कुछ नहीं समझते, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार खामोश क्यों हैं? अभी आपने उनके भाषण को लेकर समस्या बताई, वो उनके अंदर की समस्या को रहने दीजिए। वो बड़ी समस्या है कि किसी को संयोजक का पद नहीं मिल रहा है, किसी को कोई का पद नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री का पद, तो ये तो टूटना ही टूटना है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे, लालू प्रसाद कुछ नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? तो इसका मतलब सत्ता के लिए अपमान भी आप टॉलरेट करेंगे, यहीं से देश के एकात्मता पर कमजोरी आती है। ठीक है। और रंजना जी, मुझे आपसे एक अंतिम बात कहनी है, एक मिनट मुझे वक्त दीजिए। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से आज तक के मध्यदेश में जाए, अंग्रेजों ने गुलामी कराने के लिए भेजा था ना मजदूरों को बिहार और ईस्टर्न यूपी से, कहां कहां भेजा था? मॉरिशस, ट्रिनिडाड टोबेगो, ब्रिटिश गायना, फिजी आइलैंड, गुलाम बनाकर भेज, गिरमिटिया बोलते थे। और वो गिरमिटिया पूरी पीड़ा से संघर्ष किए और प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। क्या शिव सागर राम गुलाम हो, क्या आपके अनुरुद्ध जगन्नाथ हो, क्या वासुदेव पांडे हो, या कमला प्रसाद विशेषर हो ट्रिनिडाड टोबैगो की, ये अपना भारतीय रूट कभी नहीं भूले, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रूट कभी नहीं भूले जी। तो ये दयानिधि मारन को कौन समझाए बिहारियों की क्षमता? तुम क्या समझते हो गुलाम बन करके भी जाके वहां इतना आगे बढ़ते हैं उस मिट्टी को, और भारत के लिए फगुआ भी गाते हैं? और ये तुम उत्तर और नॉर्थ डिवाइड की बात करते हो, और नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हो, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और फिर कहूंगा, नीतीश कुमार क्यों खामोश है, लालू प्रसाद क्यों खामोश है, सोनिया गांधी क्यों खामोश है, राहुल गांधी क्यों खामोश है? तो तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं, वो बिहार के हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसकी गहरी निंदा करते हैं। अच्छा, निंदा क्या, बस फॉर्मल प्रफॉर्मा हो गया ना, बस बस यही करना है कि भारत की अस्मिता, बिहार की अस्मिता, उत्तर प्रदेश की अस्मिता पर कुछ नहीं सोचना है, तो अच्छी बात है, देश देख रहा है। ये देखिए, ये होता है जैसे अंजना जी, मैंने आपकी आरंभिक टिप्पणी देखी, उसमें व्यथा थी, उसमें पीड़ा थी और उसमें गुस्सा भी था। आई वुड से कीप इट अप, वेल डन अंजना कश्यप। ये लोग क्यों नहीं सोच सकते हैं? सत्ता के लिए कितना गिरेंगे, कहां तक गिरेंगे, ये बड़े सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार को लेकर, चूंकि आप भी वहीं से हैं, आप जानते हैं कि किस तरह के संघर्षों से कई बार बड़े शहरों में एक आम बिहारी को गुजरना पड़ता है, यहां तक कि उसकी जो काबिलियत है उसको भी उसके राज्य के चश्मे से देखा जाता है, और इसीलिए शायद भावनाएं इस तरह से आती हैं। बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभिषेक झा की पार्टी इस पर एकदम चुप है, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है ना कि पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, आपको पता है कि बिहार से आए हुए लोगों को हर स्तर पर कितना डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और अगर शीर्ष पर बैठे हुए नेता इस तरह की बातों को और पनपाएं, फैलाएं, इसका क्या मतलब है? 4 साल पुराना वीडियो ही सही, आज जब सामने आया आप कहते हैं गलत है, इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। ठीक उसी तरह से जैसे तमिलनाडु या दक्षिण भारत के किसी भी राज्य का अगर कोई किसी व्यक्ति का अपमान करे तो वो गलत होगा, लेकिन आप तो चुप हैं। अंजना जी, हमने अधिकृत रूप से हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा जी ने कहा कि बेहद अनर्गल टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणी स्वीकार योग्य नहीं है। हमने तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, पहनावे के आधार पर कभी देश में विभेद नहीं किया। 65 के दशक में जब हिंदी को राजभाषा का आंदोलन तमिलनाडु दक्षिण के प्रांतों और पश्चिम बंगाल तक हो गया, तब भी हमने उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश नहीं की। अंजना जी, हमको राजनीतिक नुकसान जरूर हुआ, मगर हमने कभी ये विभेद पैदा नहीं होने दिया। मगर आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि अपने मुंह में दही जमा कर क्यों बैठ जाते हो जब आपका केंद्रीय मंत्री, ये सुनिए क्या कह रहे हैं, आपके केंद्रीय मंत्री खुद एक वीडियो में आपको सुनाता हूं। संसद में एक बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे, जिसके बाद बिहार से आने वाले सांसदों ने पीयूष गोयल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार, ये आपका शो है अंजना जी, गोयल पर भी उनका रंग अब चढ़ने लगा है,
उन्हें भी अब दिल्ली में यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों से तकलीफ हो रही है। ये हालत तब है जब खुद दिल्ली बीजेपी के कई नेता छोड़िए खुद प्रभारी दिल्ली के प्रभा झा जी बिहार से हैं। विजय गोयल का ये बयान संसद में दर्ज है शब्द दर शब्द, और उन्हीं शब्दों और उन शब्दों की सीरत पर है आज हमारी सबसे बड़ी बहस। ये आप ही का हल्ला बोल है अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये वीडियो कुछ वर्ष पुराना है मगर पीयूष गोयल जी अभी कुछ दिन पहले जिसमें मनोज झा जी ने विस्तार से एक पत्र भी लिखा कि क्या शोभा देता है पूरे देश को बिहार बना देने का अर्थ क्या है, तब देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। मुझे दुख हुआ, हमने सनातन धर्म के खिलाफ जो कहा गया दक्षिण के प्रांतों और नेताओं के द्वारा उसकी भी आलोचना की लगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, एक महीने पहले जिस राजनेता को आप पार्टी में शामिल करते हैं वो क्या कह रहा है भगवान राम के लिए? वो मखौला घाट पर नियोग उत्कृष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था, उसे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि। वो कह रहे हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है राम, वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। खीर खिलाने से कोई कौशल्या को पुत्र हो जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इससे बड़ी अवमानना सनातन समय से आज तक कभी नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी गले लगा लेते हैं। जब 38 पार्टियों का सम्मेलन होता है उनसे एक बार प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये आज तक ने स्टोरी की। ये जितेन राम मांझी, उनसे पूछा गया कि आपको कोई पछतावा नहीं है, आपने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया और कहा कि ये तो सब मनगढ़ंत है, उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। हमने कभी धर्म के आधार पर प्रांत के आधार पर विवाद करने की कोशिश नहीं की। आखिरी बात कहने दीजिए, मैं एक और बड़ा खुलासा करता हूं, 2000-2001 का ये बजट भाषण है भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का, उसमें राम सेतु को तोड़ने के लिए 4.8 करोड़ रुपए सेतु समुद्रम परियोजना के लिए रखे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए, जॉर्ज फर्नांडिस वहां पर थे, अकाली दल के वरिष्ठ नेता वहां पर थे और उन्होंने कहा अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना को आकार दूंगा अर्थात राम सेतु को तोड़ दूंगा। वो अलाइनमेंट 11th अलाइनमेंट उसको रेक्टिफाई कराने के लिए जब नीरी ने उस पर आपत्ति ली कि थोरियम की बड़ी लेयर वहां पर है ये मत तोड़िए राम सेतु, तो ये अलाइनमेंट को करेक्ट कराने के लिए गए और उन्होंने कहा कि 315 नॉटिकल माइल का दूरी कम होगी हम ये तोड़ कर रहेंगे, लेकिन घृणित आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया इन्होंने क्योंकि ये चाहते हैं कि धर्म के आधार पर जाति के आधार पर प्रांत के आधार पर विभेद करें ताकि कोई रोजगार का सवाल ना खड़े, ना कोई महंगाई का सवाल खड़ा करे, ना जो संसाधनों की लूट भ्रष्टाचारियों के द्वारा हो रही जिनको विदेश भगा दिया उस पर सवाल ना खड़ा करे, किसानों की आमदनी 27 रुपए कैसे हो गई इस पर कोई सवाल खड़ा करे, तो ये इसका ऐसे मुद्दों को सामने लेकर बिंदुवार तरीके से उन्होंने तीन विषयों पर आपको घेरा है, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो सनातन, इन्होंने कहा कि बिल्कुल डीएमके के नेता की भर्त्सना कर दी हमारे चीफ ने सीआर वेणुगोपाल, इनका क्या करेंगे चचा बताइए जरा। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए, और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। तो सनातन की हुकूमत से इनको बड़ी दिक्कत है, इनको सनातन के धर्म से दिक्कत है, और ये भी सनातन सनातन करे तो कितने फर्जी हैं ये। एक कहावत है ना बगले झांकना, तो ये बात सुन के ये डिबेट पे आके ये बगले झांक रहे थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी को राम सेतु का एग्जिस्टेंस मिटाने की बात कर रहे थे। अरे कोई देश का सुनेगा ना 140 करोड़ हंसेंगे, अबे जी कहीं से बुद्धि लेके आए कि जी भैया कांग्रेस डायरी ऑफ एनसाइक्लोपीडिया से कुछ निकाल के ले आते हैं लोग मान लेंगे। कॉज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस कॉज के लिए हम लोग खप गए, छठी पुष्ट है हमारी। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात कहता हूं, अरे एक मैं चुप रही, बजट भाषण की, बजट भाषण की बात है, यहाँ बिहार यूपी की अस्मिता की बात है, पूरे हिंदी भाषी की अस्मिता की बात है, चुप रही है, सुनिए आप करते हैं क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, प्लीज तू तड़ाक मत कीजिए, आप लोग अस्मिता का प्रश्न तू तड़ाक आवाज नीचे कीजिए, एक सेकंड, जिसका नाम लू वही बोले, और प्लीज तू तड़ाक मत कीजिए, आप लोग थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए, आपके भी घर वाले सुन रहे होंगे उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, इतनी मेहनत से आपकी अपब्रिंगिंग की है, प्लीज मिस्टर आलोक प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर लीना,
ये जो दारुण दुख हुआ है ना लगातार चुनाव में हारते 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 और अपना सब संपत्ति ईडी से सीज होते 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 केस मुकदमा जेल जाने का डर अस्तित्व मिटने का डर, तो अभी अनर्गल बरगलाहट निकलती है। अनर्गल कुछ भी बोलते हैं आप, आपको याद दिलाता हूं मार्च 2023 स्टालिन ने पहली मीटिंग बुलाई थी, पहली मीटिंग याद कीजिए, इंडिया अलायंस नहीं बना था, मार्च 2023 में स्टालिन ने पहली मीटिंग बुलाई थी, कॉल दिया था ऑल सेकुलर पार्टी यूनाइट लाइक माइंडेड पार्टी यूनाइट लोकतंत्र बचाना है, तो गए थे हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी, नीतीश बाबू को पता नहीं गए थे कि नहीं, अभय जी के लोग गए थे, सबको ही गया था, बात हुई कि गठबंधन बनानी है, वहीं पर बैंगलोर की मीटिंग तय हुई पहली मीटिंग। मुझे लगता है उसी दिन स्टालिन साहब ने लगता है कि कांग्रेसियों से अखिलेश यादव से नीतीश जी तो गए पता नहीं गए कि नहीं, और या तेजस्वी से लगता है टॉयलेट वॉयलेट साफ करवा लिया होगा क्या, इसलिए सोच लिया क्या कि बिहार यूपी के लोग टॉयलेट साफ करेंगे, हिम्मत कैसे भी बोलने की, और आप लोग प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टी है डीएमके तमिलनाडु में, ऐसा किया है तो मैं निंदा करता हूं, बस बस 22 करोड़ वोटर है, 35 करोड़ आबादी है यूपी की, साढ़े 8 करोड़ वोटर है बिहार का, 13 करोड़ आबादी मंडल से नहीं हटाएंगे, 45 करोड़ आबादी की निंदा करो, टॉयलेट टॉयलेट साफ करने वाले दिखते हम लोग, शर्म नहीं आती है, अभिषेक झा को दिखा राहुल गांधी साफ करके आए थे स्टालिन के टॉयलेट, जो अभी तक आवाज नहीं निकल रही है, ऐसी भाषा ना बोलिए जिसके लिए आपको फिर बाद में माफी मांगनी पड़े, दही जम गया आप लोग, आप माफी की मांग कर रहे हैं कि ऐसा दूसरों के लिए ना बोले, कोई नहीं, मैं फिर आप भी सोच समझ कर बोलिए, मैं संभावना दे रहा हूँ, क्या ये लोग टॉयलेट साफ करके आए थे, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये लोग टॉयलेट साफ करके आए थे जिसके कारण ये लोग बोल रहे हैं कि सारे बिहार यूपी वाले यहाँ टॉयलेट साफ करके आते हैं। देखिए एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो तमिल और काशी समागम की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की बात करते हैं कि तुरंत भाषाई समानता तुरंत मिल सके, एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धोकर उनका आदर करते हैं, हम ये भाषाई असंतुलन खत्म करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान एक करने की बात करते हैं, ये किस ढंग की बात कर रहे हैं भाई, आप कितने दिन से सुन रही हैं नॉर्थ साउथ, ये हमने शुरू किया, ये राहुल गांधी ने शुरू किया, सबसे पहले कब शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा में पहला लाइन क्या बोला था, व्हाट इज दिस भारत माता, हु इज भारत माता, बताए मुझे भाई हु इज द भारत माता, वो कहते हैं कि लोगों की आवाज है भारत माता, 1 करोड़ से ऊपर भारतीय रहते हैं अमेरिका में, अमेरिका भारत माता है। अबे दुबे जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभिषेक झा की पार्टी, इस पर एकदम चुप है, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है ना कि पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, आपको पता है कि बिहार से आए हुए लोगों को हर स्तर पर कितना डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और अगर शीर्ष पर बैठे हुए नेता इस तरह की बातों को और पनपाए फैलाएं इसका क्या मतलब है, 4 साल पुराना वीडियो ही सही आज जब सामने आया, आप कहते हैं गलत है इस तरह की बात करना, बिल्कुल गलत है, ठीक उसी तरह से जैसे तमिलनाडु या दक्षिण भारत के किसी भी राज्य का अगर कोई किसी व्यक्ति का अपमान करे तो वो गलत होगा, लेकिन आप तो चुप हैं। अंजना जी हमने अधिकृत रूप से हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा जी ने कहा कि बेहद अनर्गल टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणी स्वीकार योग्य नहीं है, हमने तो धर्म के आधार पर भाषा के आधार पर प्रांत के आधार पर पहनावे के आधार पर कभी देश में विभेद नहीं किया, 65 के दशक में जब हिंदी को राजभाषा का आंदोलन तमिलनाडु दक्षिण के प्रांतों और पश्चिम बंगाल तक वो गया तब भी हमने उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश नहीं की अंजना जी, हमको राजनीतिक नुकसान जरूर हुआ मगर हमने कभी ये विभेद पैदा नहीं होने दिया, मगर आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि अपने मुंह में दही जमा कर क्यों बैठ जाते हो जब आपका केंद्रीय मंत्री, ये सुनिए क्या कह रहे हैं, आपके केंद्रीय मंत्री खुद एक वीडियो में आपको सुनाता हूं। संसद में एक बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे, जिसके बाद बिहार से आने वाले सांसदों ने पीयूष गोयल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बिहार ये आपका शो है अंजना जी, गोयल पर भी उनका रंग अब चढ़ने लगा है, उन्हें भी अब दिल्ली में यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों से तकलीफ हो रही है, ये हालत तब है जब खुद दिल्ली बीजेपी के कई नेता छोड़िए खुद प्रभारी दिल्ली के प्रभा झा जी बिहार से हैं। विजय गोयल का ये बयान संसद में दर्ज है शब्द दर शब्द, और उन्हीं शब्दों और उन शब्दों की सीरत पर है आज हमारी सबसे बड़ी बहस, ये आप ही का हल्ला बोल है अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये वीडियो कुछ वर्ष पुराना है मगर पीयूष गोयल जी अभी कुछ दिन पहले जिसमें मनोज झा जी ने विस्तार से एक पत्र भी लिखा कि क्या शोभा देता है पूरे देश को बिहार बना देने का अर्थ क्या है, तब देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते, मुझे दुख हुआ
हमने सनातन धर्म के खिलाफ जो कहा गया दक्षिण के प्रांतों और नेताओं के द्वारा उसकी भी आलोचना की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, एक महीने पहले जिस राजनेता को आप पार्टी में शामिल करते हैं वो क्या कह रहा है भगवान राम के लिए? उत्कृष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि साथ। वो कह रहे हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र हैं राम, वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। खीर खिलाने से कोई कौशल्या को पुत्र हो जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इससे बड़ी अवमानना सनातन समय से आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी गले लगा लेते हैं। जब 38 पार्टियों का सम्मेलन होता है उनसे एक बार प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये आज तक ने स्टोरी की। ये जितेन राम मांझी, उनसे पूछा गया कि आपको कोई पछतावा नहीं है, आपने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया और कहा कि ये तो सब मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। हमने कभी धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर विवाद करने की कोशिश नहीं की। आखिरी बात कहने दीजिए, मैं एक और बड़ा खुलासा करता हूं। 2000-2001 का ये बजट भाषण है भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का, उसमें राम सेतु को तोड़ने के लिए 4.8 करोड़ रुपए सेतु समुद्र परियोजना के लिए रखे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए, जॉर्ज फर्नांडिस वहां पर थे, अकाली दल के वरिष्ठ नेता वहां पर थे और उन्होंने कहा अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना को आकार दूंगा, अर्थात राम सेतु को तोड़ दूंगा। वो अलाइनमेंट, 11th अलाइनमेंट, उसको रेक्टिफाई कराने के लिए जब नीरी ने उस पर आपत्ति ली कि थोरियम की बड़ी लेयर वहां पर है, ये मत तोड़िए राम सेतु, तो ये अलाइनमेंट को करेक्ट कराने के लिए गए और उन्होंने कहा कि 315 नॉटिकल माइल का दूरी कम होगी, हम ये तोड़ कर रहेंगे। लेकिन घृणित आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया इन्होंने, क्योंकि ये चाहते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर विभेद करें, ताकि कोई रोजगार का सवाल ना खड़े, ना कोई महंगाई का सवाल खड़ा करे, ना जो संसाधनों की लूट भ्रष्टाचारियों के द्वारा हो रही, जिनको विदेश भगा दिया उस पर सवाल ना खड़ा करे, किसानों की आमदनी 27 रुपए कैसे हो गई इस पर कोई सवाल खड़ा करे, तो ये इसका ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आ। बिंदुवार तरीके से उन्होंने तीन विषयों पर आपको घेरा है, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो सनातन, इन्होंने कहा कि बिल्कुल डीएमके के नेता की भर्त्सना कर दी हमारे चीफ ने, सीआर वेणुगोपाल, इनका क्या करेंगे चचा बताइए जरा। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए, और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। तो सनातन की हुकूमत से इनको बड़ी दिक्कत है, इनको सनातन के धर्म से दिक्कत है, और ये भी सनातन सनातन करे तो कितने फर्जी हैं ये। एक कहावत है ना, बगले झांकना, तो ये बात सुन के ये डिबेट पे आके ये बगले झांक रहे थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी को राम सेतु का एग्जिस्टेंस मिटाने की बात कर रहे थे। अरे कोई देश का सुनेगा ना 140 करोड़ हंसेंगे, अबे जी कहीं से बुद्धि लेके आए कि जी भैया कांग्रेस डायरी ऑफ एनसाइक्लोपीडिया से कुछ निकाल के ले आते हैं, लोग मान लेंगे। कॉज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस कॉज के लिए हम लोग खप गए, छठी पुष्ट है हमारी। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात कहता हूं, अरे एक मैं चुप रही, बजट भाषण की, बजट भाषण की बात है, यहाँ बिहार यूपी की अस्मिता की बात है, पूरे हिंदी भाषी की अस्मिता की बात है। चुप रही है, चुप रही है, सुनिए, आप करते हैं, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, प्लीज तू तड़ाक मत कीजिए, आप लोग अस्मिता का प्रश्न, तू तड़ाक आवाज नीचे कीजिए, एक सेकंड, जिसका नाम लू वही बोले, और प्लीज तू तड़ाक मत कीजिए, आप लोग थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए, आपके भी घर वाले सुन रहे होंगे, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, इतनी मेहनत से आपकी अपब्रिंगिंग की है, प्लीज मिस्टर आलो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर लीना, ये जो दारुण दुख हुआ है ना लगातार चुनाव में हारते 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 और अपना सब संपत्ति ईडी से सीज होते होते होते, केस मुकदमा, जेल जाने का डर, अस्तित्व मिटने का डर, तो अभी अनर्गल बरगलाहट निकलती है, अनर्गल कुछ भी बोलते हैं आप। आपको याद दिलाता हूं, मार्च 2023 स्टालिन ने पहली मीटिंग बुलाई थी, पहली मीटिंग याद कीजिए, इंडिया अलायंस नहीं बना था, मार्च 2023 में स्टालिन ने पहली मीटिंग बुलाई थी, कॉल दिया था ऑल सेकुलर पार्टी यूनाइट, लाइक माइंडेड पार्टी यूनाइट, लोकतंत्र बचाना है, तो गए थे हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी, नीतीश बाबू को पता नहीं गए थे कि नहीं, अभय जी के लोग गए थे, सबको ही गया था, बात हुई कि गठबंधन बनानी है, वहीं पर बैंगलोर की मीटिंग तय हुई, पहली मीटिंग
मुझे लगता है उसी दिन स्टालिन साहब ने लगता है कि कांग्रेसियों से, अखिलेश यादव से, नीतीश जी तो गए पता नहीं गए कि नहीं, और या तेजस्वी से लगता है टॉयलेट वॉयलेट साफ करवा लिया होगा क्या, इसलिए सोच लिया क्या कि बिहार यूपी के लोग टॉयलेट साफ करेंगे। हिम्मत कैसे भी बोलने की, और आप लोग प्रतिकार नहीं कर रहे, निंदा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टी है डीएमके तमिलनाडु में, ऐसा किया है तो मैं निंदा करता हूं। बस बस 22 करोड़ वोटर है, 35 करोड़ आबादी है यूपी की, साढ़े 8 करोड़ वोटर है बिहार का, 13 करोड़ आबादी मंडल से नहीं हटाएंगे, 35-48 करोड़ आबादी की निंदा करो, टॉयलेट साफ करने वाले दिखते हैं हम लोग, शर्म नहीं आती है? अभिषेक झा को दिखा, राहुल गांधी साफ करके आए थे स्टालिन के टॉयलेट, जो अभी तक आवाज नहीं निकल रही है, या ऐसी भाषा ना बोलिए जिसके लिए आपको फिर बाद में माफी मांगनी पड़े। दही जम गया आप लोग, आप माफी की मांग कर रहे हैं कि ऐसा दूसरों के लिए ना बोले, कोई नहीं, मैं फिर आप भी सोच समझ कर बोलिए। मैं संभावना दे रहा हूँ, क्या ये लोग टॉयलेट साफ करके आए थे? मैं ये कह रहा हूँ क्या ये लोग टॉयलेट साफ करके आए थे जिसके कारण ये लोग बोल रहे हैं कि सारे बिहार यूपी वाले यहाँ टॉयलेट साफ करके आते हैं? देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो तमिल और काशी समागम की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की बात करते हैं कि तुरंत भाषाई समानता तुरंत मिल सके, एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धोकर उनका आदर करते हैं, हम ये भाषाई असंतुलन खत्म करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान एक करने की बात करते हैं, ये किस ढंग की बात कर रहे हैं भाई? आप कितने दिन से सुन रही हैं नॉर्थ साउथ? ये हमने शुरू किया, ये राहुल गांधी ने शुरू किया, सबसे पहले कब शुरू किया? भारत जोड़ो यात्रा में पहला लाइन क्या बोला था? व्हाट इज दिस भारत माता, हु इज भारत माता, बताए मुझे भाई, हु इज द भारत माता? वो कहते हैं कि लोगों की आवाज है भारत माता, 1 करोड़ से ऊपर भारतीय रहते हैं अमेरिका में, अमेरिका भारत माता है। ठीक है अभिषेक झा जी, 80 लाख भारतीय रहते हैं इंग्लैंड में, भारत माता है। अभय जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, नहीं पता आपका ऑडियो नहीं जा रहा, जैसे मैंने वहां से शुरू हुई है कि बांटो और तोड़ो, किसी और का इंटरफेरेंस ना हो, मैं सुनिश्चित कर रही हूँ कि जब कोई और बोल रहा है तो दूसरा ना चिखे। शाउटिंग मैच हम लोग करते नहीं है सर, आप तो जानते हैं, रोज आते हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? अपनी बारी का इंतजार करें, मैं आपको जरूर मौका दूंगी। अभिषेक झा जी ये बात मैं आ रही हूँ, अभय जी इसके बाद आ रही हूँ, ये बात नीतीश कुमार जी को इतनी क्यों नहीं चुभती है कि वो इस पर कुछ बोले? 4 साल पुरानी बात ही सही, जब ये प्रश्न पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, हालांकि उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली ये पार्टी है, लेकिन उन्होंने खुलकर निंदा की इस बयान की, लेकिन नीतीश बाबू चुप है, आखिर क्यों? किसने कहा कि नीतीश कुमार जी को ये बातें नहीं चुभती? शब्द का इस्तेमाल, आप उनका बयान दिखा दे तो मैं चला दूंगी अभी भेजिए। अभी अजय आलोक जी प्रतिकार शब्द की बात कर, जब से ये बयान आया है तब से हम लोगों ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं अपना बयान आपको भेज दूं जो हर जगह चल रहा है, और अन्य नेताओं के विषय में भी आप बात करेंगे तो भी यही मसला है। मामला ये होता है ना कि बिहार का गुणगान अंजना जी आपने बहुत बेहतर तरीके से किया, और रविशंकर प्रसाद जी भी कर रहे थे, आपने तो भाई बिहारी अस्मिता की बात की, आपको साथ मसला ये है कि इस देश में हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देते, बिहारी मेधा प्रतिभा का डंका देश में पूरे विश्व में बजता है, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं, आज तक जैसे प्रतिष्ठित चरण में आप काम कर रहे हैं, यहाँ भी अधिकांश लोग जो बैठे हैं बिहार से ताल्लुकात करते हैं, और किसी प्रदेश का अपमान करना या किसी का भी अपमान करना हमें कभी नहीं सिखाया गया है। बात अगर हिंदी की होती है तो हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, तो इस तरह की बातें अगर कोई करेगा तो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी होती, लेकिन नेताओं को संभल कर सजग होकर बोलना चाहिए। ऐसे ही कोई कुछ भी कह देगा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के विषय में, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा है कि इसको, इसका विरोध करने का भी तरीका हमारे पास, प्रतिकार का भी तरीका, और हम मानते हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए इस चीज को लेकर। मसला कभी का भी हो जाना, 4 साल पहले की बात भी हो तो एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से आना चाहिए जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल या इस आशय का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए किया है। उनकी सफाई तो इतनी ही है, उनकी सफाई इतनी ही है झाजी, वो ये कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले ये पुराना बयान है हमारा, आप इसको सियासी टूल की तरह इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर पेंटापति पुलाराव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि दयानिधि मारन को ऐसे वक्त पर, आखिर एक राज्य को लेकर सेंसिटिविटीज हर्ट करने के लिए तो वो टॉयलेट को लेकर आए ना, वो पूरा बयान भी हमने उनका सुनाया है, आपको नहीं लगता है कि उनको मतलब बचना चाहिए? ऐसा है, मैं सुना रविशंकर प्रसाद जी क्या बात किया, वो चुपचाप आए, ये चुपचाप आए, आपका बीजेपी तमिलनाडु का प्रेसिडेंट चुपचाप है अनामले, वो कोई कमेंट नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे, क्यों है ये इश्यू इतना सीरियसली नहीं लेते तमिलनाडु में दूसरे जगह में? ये 4 साल का पहले दयानिधि मारन बात किया था, ठीक नहीं है, अभी क्यों उठा रहे?
देश को डिविजन आगे लाने के लिए वहां ये बताया, ये वहां बताया, वो दक्षिण में ये बताया, क्या फायदा आ रहे है राजनीतिक दल को? वो देश ने वो डिवाइड कर रहे, ये पार्टी, ये अभी फायदा कुछ भी नहीं आ रहे है दक्षिण में। ऐसा पॉइंट एक बुरी बात हुआ, आप सोचते हैं ये पास ऑन, हम मूव ऑन करने चाहिए। 4 साल का पहले ऐसा किया था, 80 साल का पहले ईवीआर पेरियार रामस्वामी नायर, ऐसा बताइए क्या फायदा है? हमारे देश का इतना डिविजन है। और वेरी सैडली ये बीजेपी हो, दूसरी पार्टी हो, ये आगे क्यों ला रहे? अरविंद वाजपेयी जी वो ये कह रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए 2024 के पहले इस मुद्दे को सुलगाया जा रहा है, वरना 4 साल पुराना बयान है, अभी उठाने का क्या मतलब है? पहले माफी तो मांगे, मतलब बिहार और यूपी के लोगों को आप कुछ भी कहेंगे, कभी भी कहेंगे, क्यों कहेंगे, सवाल ये बात का है, चाहे 4 साल का हो चाहे 2 साल का हो। सवाल ये है कि इतना गौरवशाली इतिहास है, अभी आपने सारी बताया, हम लोग प्राउड करते हैं उसको, मतलब ये नीतीश बाबू को क्या हो गया? हम तो बड़े, देखो हमें ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि वो पुराने समाजवादी नीतीश बाबू कहीं और चले गए हैं, गायब हो गए हैं। अभी विधानसभा में इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी महिलाओं के खिलाफ, अब क्यों नहीं, इनका खून नहीं खोलता? आपका खोल रहा है, हमारा खोल रहा है, बाकी लोगों का खोल रहा है, इनका खून ही नहीं खोलता, मतलब किस तरह की बात? इंडी गठबंधन, और ये नहीं खाली, ये एक फैशन बन गया है, ये रेवंत रमन जो सीएम बने हैं वहां के तेलंगाना के, उन्होंने भी 3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है। ये मतलब क्या चाह रहे हैं, क्या ये डिवीजन की मतलब? और इंडी के गठबंधन में जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का बयान आपको याद होगा, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर होती थी, वो कह रहे हैं कि बस में जाओ तो बिहारियों को उनसे बदबू आती है पसीने की, मतलब ये चीजें कैसे टॉलरेट करेंगे हम लोग? हमें तो समझ नहीं आ रहा कि नीतीश बाबू पार्ट टू जंगल राज चलाते चलाते बिल्कुल अपना अपना बिहारियों का और यूपी वालों का मान सम्मान को गिरवी रख दिया उन्होंने। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं कंटेम करेंगे? इंडिया अलायंस गठबंधन पहले है, ये पहले बिहारी और हमारा आत्मसम्मान है, इस चीज को बड़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। और इन्होंने तो अभी टीएनए चैलेंज किया है बिहारियों का, ये रेवती रमन जो सीएम बने कांग्रेस के, इनका बयान अभी मैंने पढ़ के सुना देखा है उसमें, तो ये कांग्रेस वाले अभय दुबे जी अभी बड़ी बातें कर रहे थे, आप क्यों नहीं माफी मांगे? वही आपके लीडर कर रहे हैं कि जी पवन खेड़ा जी ने कह दिया, मतलब यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। आपके जो लीडर है राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, खड़गे साहब है, उनको वो क्या कहते हैं इस बारे में, ये जरूर जानना है, और इसका इनको भुगतना पड़ेगा फल, पूरे देश में इस बात का फल, जहां जहां बिहारी और यूपी लोग है ना, इनको बिल्कुल वोट नहीं देंगे ये मान के आप चलिए। और ये साउथ इंडियन वाले जो साहब बैठे हैं, इनको एडवाइस है हमारी कि भैया माफी मंगवाइए, पहले भी इस तरह की घटना हुई है, बहुत हर जगह देश के हर कोने में तरह तरह के राज्यों के लोग होते हैं, काम करने की स्वतंत्रता है, संविधान उसकी इजाजत देता है, इस तरह का माहौल न करिए सिर्फ छोटी सी राजनीति के लिए। और ये दयानिधि मारन जनाब आपको मालूम होना चाहिए, ये अपराधी है, इनके राजा मिनिस्टर जो होते थे कम्युनिकेशन के, तो इन्होंने घर में प्राइवेट एक्सचेंज लगा लिया था, वो केस अभी चल रहा है, इनको कोर्ट में भुगतना पड़ता है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और किसी के मान सम्मान में अपमानजनक शब्दों का कहने का कोई हक नहीं। आलोक जी थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि ये सत्ता पक्ष से बोल रहे हैं, एक बार प्रतिक्रिया ले लें। अभय दुबे जी भी हाथ उठा रहे हैं, अभय जी जल्दी से, इसके बाद आर्यन झा जी। अंजना जी, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने पीयूष गोयल, वो तो केंद्रीय मंत्री है उनके, उनके वक्तव्य के लिए माफी मांगी? आज तक अभी तक अजय आलोक तो बिहार से आते हैं, इतना घृणित और हिंसा भरे शब्दों में पीयूष गोयल ने सदन में कहा लोकसभा के, अभी 2023 में उन्होंने माफी मांगी? विजय गोयल जी के बयान पर क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? अंजना ओम कश्यप जी ने तो साहस दिखाकर पूरा का पूरा हल्ला बोल वर्षों पहले किया था कि उन्होंने यूपी और बिहार के मजदूरों को दिल्ली आने से रोकने की बात खड़ी की, एक पूरा का पूरा कार्यक्रम किया। क्या संजय निषाद जो कह रहे हैं सनातन धर्म हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, वो माता कौशल्या के पुत्र ही नहीं है, दशरथ के पुत्र ही नहीं है, दशरथ से पैदा हुए, उसके लिए कभी माफी मांगी? प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया उसके बाद। जीतन राम मांझी ने अपमान किया, उसके लिए माफी मांगी? इन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इनके संस्कृति मंत्री ने। क्या वो बिहार का अपमान नहीं था? क्या बिहार की भूमि का वो अपमान नहीं था? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। मैं आज गंभीरता से बोलना चाहता हूं,
ये जब हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करे देश के लोगों, तब इनसे पूछिएगा कि सैफुल्ला नाम के दुर्दांत आतंकवादी पंडितों के हत्यारे को टिकट दे देते हो, तब मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होता है। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान के हथियार सप्लाई करने वाले घोषित आतंकवादी को विधानसभा का टिकट लड़ाते हो, तब उसमें तुष्टिकरण नहीं होता। इनसे पूछिएगा कि तालिब हुसैन हमारे देश के गृहमंत्री का मंच साझा करता है, इनको उसमें तुष्टिकरण दिखाई नहीं देता। अरे पार्लियामेंट में अगर हम मांग कर ले अंजना जी कि आप इस बात की चर्चा करा लीजिए कि 6 दिन पहले उस घटना के एक आतंकवादी ने वीडियो पोस्ट किया था कि पूरी की पूरी संसद बम से उड़ा दूंगा, तब प्रधानमंत्री जी कहां थे? रैलियां कर रहे थे। दो ट्वीट किए प्रधानमंत्री जी ने, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की रैली का। लेकिन देश के प्रति, दल के प्रति, लेकिन जो पेंटापति जी इशू उठा रहे हैं उसको भी जरा समझना चाहिए पर्सपेक्टिव में। वो कह रहे हैं कि इस देश में अलग अलग हिस्से हैं। अब चाहे वो एमके स्टालिन हो, चाहे वो मारन साहब हो, इन सबको एक खास किस्म की पॉलिटिक्स करनी होती है, जिसकी वजह से शायद तमिलनाडु के बीजेपी गुट को भी आप उतना मुखर होकर इस बयान के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुनेंगे। क्षेत्रवाद की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस देश में कई राज्यों में बहुत हावी है, वोटर के मन में भी। ये उसका एक एक्सटेंशन है। माधव जी, अंजना जी, देखिए एक सोची समझी रणनीति में कह सकता हूँ उत्तर और भारत में बांटने की राजनीति, और यह लगातार जब से पुराना बयान है, 4 साल पुराना। एक मिनट, जब से इंडिया अलायंस बना है तब से लगातार अंजना जी आपके शो पे ही हम लोगों ने कई डिबेट आपके साथ किया है, चाहे सनातन धर्म की अपमान की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, या बिहारियों की अस्मिता की बात हो, डीएनए की बात हो, लगातार तमाम ऐसे बयान अगर आप देखेंगे। अरे बिहार तो उत्तर भारतीयों का है जहां हिंदी भाषी प्रदेश है, वहां के शिक्षा मंत्री भी क्या अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं, और हम लोगों ने उस पर भी डिबेट करने का काम किया है, और सूबे के मुख्यमंत्री चुपचाप रहते हैं, बर्खास्त भी नहीं करने का काम करते हैं। तो एक सोची समझी रणनीति है, समाज में भाषा और प्रांत के आधार पर नफरत फैलाने की जो राजनीति ये चल रही है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। मुझे लगता है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर इस तरह के जो भी बयान आते हैं इसकी निंदा होनी चाहिए। और बिहारी अस्मिता की बात को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बात, मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे इश्यूज अंजना जी हैं जहां हम लोग कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे जहां समाज को बांटने की बात हो जाए, देश को बांटने की बात हो जाए, मुझे लगता है कि किसी को यह शोभा नहीं देता है। और जिस तरह लगातार इंडिया अलायंस के लोग बयान दे रहे हैं अंजना जी, ये गंभीर विषय है। मैं घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं और इसकी घोर निंदा भी करता हूं। ठीक है अभिषेक झा जी, आज ही जब पूछा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि क्या जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि विलय हो जाएगा आरजेडी के साथ, उस पर तो उन्होंने बयान दिया, लेकिन इस विषय पर मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। आखिर क्यों, क्या परहेज है? अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर बिहार के लोग पूरे विश्व में बसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, वो बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अगर हमारी अस्मिता पर चोट होगा तो 2 लाइन हमारे पक्ष में बोलेंगे। ऐसा भी क्या परहेज है? नहीं, मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, उससे पहले जो भी सवाल उनसे पूछे गए सबका इत्मीनान से उन्होंने जवाब दिया, आखिरी सवाल के रूप में था, हो सकता है वहां पर नॉइस और बाकी सारी चीजें होंगी तो नहीं सुन पाए। और सरकार का जो पक्ष है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बखूबी रख दिया, और हम लोग भी तो पार्टी के प्रवक्ता है, अन्य नेता भी तो है, हम लोगों ने इस बात का बड़ी कड़ाई के साथ प्रतिकार किया है। दो पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है। पहला, कोई किसी भी समय के काल में बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश के बारे में कह रहा हो गलत बातें, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, प्रतिकार होना ही चाहिए। और दूसरा, इस एजेंडा को अगर प्लान किया गया है तो किसने प्लान किया होगा? प्लान किया है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने सारे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इसको प्लान किया होगा। हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बिहार के पर्सपेक्टिव में, उनको जब बिहार के हक के विषय में सवाल पूछा जाता है तब वो जवाब नहीं देते। जब पीयूष गोयल जी अपमान करते हैं तब अरविंद वाजपेयी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अजय आलू जी बिहार से आते हो कि गिरिराज सिंह जी आते हो कि अश्विनी चौबे आते हो कि न्यूमरस केंद्रीय मंत्री, लेकिन कोई बिहार के हक और हुकूक की बातें नहीं करता। उस वक्त भी दर्द एक आम बिहारी को ही होता है, उस वक्त भी दर्द अंजनाओं कश्यप को होता है, और उस वक्त भी बातें उठती हैं कि बिहार के हक के विषय में कोई बात क्यों नहीं करता। बिहारी अस्मिता पर कोई चोट करेगा? पीयूष गोयल पर जवाब दीजिए, हम इसे बर्दाश्त अजय आलोक जी, हम इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन पीयूष गोयल का भी प्रतिकार जवाब ले रहे हैं और डीएमके का भी प्रतिकार। पर्टिकुलर पीयूष गोयल पे जवाब दे रहा हूं। लोकसभा में बहस हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री पे, और उस वक्त बिहार में चल रही थी महागठबंधन की सरकार, जिसको हम लोग जंगल राज कहते थे, आज भी वही सरकार चल रही है।
उसी पे पीयूष गोयल जी ने कहा कि पूरे देश को बिहार बना देना चाहते हैं क्या, जहां लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। आज भी एक पुलिसकर्मी की गोली मार के हत्या की गई है, एक के हाथ में गोली लगी है पटना में, दूसरी जगह मत जाइएगा, ये है बिहार की लॉ एंड ऑर्डर। अब भाई देवी अभय जी बड़ा तेज बनते, मैं आपको समझ सकता हूं कि आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है। अब जब राजीव गांधी के हत्यारे को जिस पार्टी सपोर्ट करती थी, जब आप उसको सहानुभूति दे सकते हैं, सत्ता के लिए उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, तो आपको सनातन धर्म कहां समझ में आएगा भैया? खड़गे जी का बयान सुनाया, सनातन धर्म आ जाएगा तो मोदी आ जाएगा, तो सनातन धर्म आ जाएगा, उस पर चुप हो गए। दूसरा, ये लोग बार बार बोल रहे कि चार महीना पुराना वीडियो है, चार महीना पुराना वीडियो है। हमारे पेंटापति जी बोल रहे थे, पेंटापति जी बात चार महीने या चार साल पुराने वीडियो की नहीं है, इस वीडियो को कभी किसी ने डिनाई नहीं किया, नंबर वन। दूसरा, पेंटापति जी आप तो तमिलनाडु के हैं, आप बताइए AIDMK आज तक कभी उसने ऐसी वाणी बोली नहीं, PMK कभी ऐसी वाणी बोली नहीं, आंध्रा में YSR है, TDP है, किसी ने ऐसी वाणी बोली? अरे और तो और छोड़िए, मुस्लिम लीग ने भी कभी ऐसा नहीं बोला जो DMK बार बार बोलती है, बार बार बोलती है, और पूरा इंडिया अलायंस उसको दामाद की तरह ढो रहा है, और एक इंडिया अलायंस को हिम्मत नहीं है कि DMK को कंडेम करे। हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, निंदनीय है, ऐसे चलेगा देश? देश ऐसे चलेगा? और क्या आपने कहा कि टॉयलेट क्लीनर्स हैं, पूरे टॉयलेट क्लीनर देश की जितने टॉयलेट क्लीनिंग करने वाले लोग होंगे ना, उनके दिल पे छुरा मारा है आपने, याद रखिएगा। तमिलनाडु के टॉयलेट क्लीनर्स भी सुन रहे होंगे, ये है हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री के विचार, और ये है हमारी इंडिया अलायंस के विचार। और अभय दुबे जी अपने अध्यक्ष का क्या कीजिएगा कि मोदी आ जाएगा तो सनातन आ जाएगा, और आत्म स्वाभिमान तो आप में रहा नहीं, क्योंकि थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस पार्टी निर्लज है। जवाब सुनिए, निर्लज अजय आलोक जी, जवाब सुनिए। अंजना जी, अभय दुबे, अंजना जी, इन निर्लज्जों को सनातन धर्म की परिभाषा तक नहीं पता है, ये जानते ही नहीं सनातन धर्म क्या है। क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यशस्य पुत्रिका क्षमा यशः क्षमा धर्म क्षमाया विशिष्ट जगतम, अर्थात क्षमा ही सबसे बड़ा मूल है सनातन धर्म का। तो बयान तो खड़गे साहब का था ना, जिस पर प्रश्न था, उन्होंने कहा सनातन का राज हो जाएगा। अंजना जी, उसमें इतना इनको बुरा क्यों लगता है अगर खड़गे साहब ने यह प्रश्न खड़ा किया तो? ये तो सत्ता की भूख मिटाते हैं। आप कल्पना तो कीजिए, उत्तर भारत के पूरे प्रांतों में गौ माता के नाम पर नृशंस हत्या करने का समर्थन करते हैं, और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और मंत्री कहता है एक वीडियो पोस्ट करके फेसबुक पोस्ट में कि भारतीय जनता पार्टी गाय का मांस खाती है, इसलिए हम गाय मांस की पार्टी कर रहे हैं। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गाय का मांस नहीं खाती। इनका केंद्रीय मंत्री रिजिजू कहता है कि कैन समबडी स्टॉप मी, जब एक मंत्री इनके कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे गाय के मांस खाने वाले को, तो मिजोरम से आने वाला इनका केंद्रीय मंत्री कहता है कि कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं। तो कितनी शर्मनाक बात है। अरे मत दंगा और झगड़ा कराइए भारतवर्ष में। किशन भारवाल को भूल गए? जैसे कन्हैया कुमार जी की हत्या राजस्थान में हुई थी, गुजरात में हूबहू किशन भारवाल की हत्या हुई एक माह पहले कन्हैया लाल जी के, क्या मुआवजा दिया मोदी जी? अजय आलोक जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, लगाता रहा गुजरात, जैसे मैंने उनकी आवाज नीचे कर दी थी वैसे आपके कर दी है। गला हम लोग शॉटिंग मैच नहीं करते, एक बार में एक व्यक्ति की आवाज जाएगी, मैं आपको मौका अंजना जी पूरी कीजिए। अभय दुबे, किशन भारवाल गुहार लगाता रहा कि प्रधान किसान भरवाड़ गुहार लगाता रहा कि प्रधानमंत्री जी मेरी हत्या कर दी जाएगी, उसको जेल में डाल दिया गुजरात की पुलिस ने। जब वो जमानत लेकर आया, उसकी मासूम बच्ची पैदा हुई, वो चेहरा देखना चाहता था, उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद खुलासा हुआ कि पूरे अहमदाबाद में 1000 दान पात्र दावत इस्लामी पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन के। क्या NIA की जांच वहां कराई गई? नहीं, अगर कराते तो पूरा गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी का बदनाम हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री राजस्थान आते तो कन्हैया कुमार जी का मसला खड़ा करते। हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं जाएं तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, पहनावे के नाम पर विभेद ना करें। लेकिन इनकी तो राजनीति की बुनियाद ही है। कमी है, सिर्फ एक लाइन का कमेंट में ले पाऊंगी। अरविंद वाजपेयी जी, आपसे शुरू कर रहे हो। अरविंद जी जल्दी से छोटा छोटा कमेंट। अरविंद वाजपेयी जी, अजय आलोक जी आऊंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम ये बैठे हुए अभिषेक जहाजी बैठे हुए हैं, हाँ। बिहार के होने के नाते आपको भी इस बात को, चीफ मिनिस्टर साहब एक चिट्ठी लिख दें उनको कि भाई इस तरह की बातें ना करो, पहले भी की हैं, उन्होंने भी की हैं, आप भी कर रहे हो, उनके बेटे स्टालिन के बेटे ने, सनातन धर्म के लिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एज ए पार्टनर अलायंस के हैं, आपका राइट है कि आप उनको सलाह दें, आप क्यों नहीं इस तरह की सलाह देना चाहते हैं? वक्त की कमी है। एक अच्छी बात सुना अजय आलोक जी से, हाँ। माफी मांग सकते हैं, 4 साल है, 4 महीने है, 30 साल का पहले अभी BJP शिवसेना से ज्वाइंट अलायंस बनाया। शिवसेना क्या बनाया, क्या बात किया,
साउथ इंडियंस के बारे में हिस्ट्री में देखिए, अभी उसके बारे में माफी मांगने शुरू कर दीजिए आलोक जी, क्या क्या बताया, साउथ इंडियंस ने हटा दो, साउथ इंडियंस ने घिरो, क्या क्या बोला मद्रास के ऊपर। दक्षिण भारत के लोगों के बारे में, भारतीयों के बारे में, एक तो ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन बोलना ही बंद करना होगा हम लोगों को। दक्षिण भारत का भारतीय या फिर उत्तर भारत का भारतीय बोलती है, बोलिए। वो कह रहे हैं शिवसेना के साथ आप अलायंस में थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। अंजना जी, ये अंजना जी, ये सिर्फ डीएमके बोलती है साउथ में, और कोई पार्टी नहीं बोलती है, क्योंकि दूषित ये चरित्र है इनका। एक मुख्यमंत्री का बेटा सनातन को खत्म करने की बात करता है, सनातन को डेंगू मलेरिया और कोरोना पता नहीं क्या क्या कहता है, तब पिंटापति जी कुछ नहीं बोलते हैं। अरे डेंगू मलेरिया कोरोना सनातन होगा तो तमिलनाडु में भी तो सनातन रहते हैं, ठीक नहीं रहते हैं क्या सनातनी? अजीब हालत है। अब अवैध दुबे जी का तो कुछ बात ही नहीं करनी है, ये तो बगले झांक रहे हैं, हकला रहे हैं, फैक्ट तक भूल जा रहे हैं। किरण रिजिजू भाई साहब अरुणाचल से आते हैं, मिजोरम से नहीं, थोड़ा ज्ञान। मैं जानता हूं कि आदमी जब हड़बड़ा जाता है, तर्क में होते हैं, तो इसी तरह की बकवास निकलती है, शर्म है ना? तो आत्मचिंतन कीजिए, और जरा डीएमके को कड़े शब्दों में निंदा नहीं, नाता तोड़िए, नाता तोड़िए, नहीं तो जनता आपसे नाता तोड़ दे।